दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको YouTube के इतने बड़े अपडेट के बारे में बताने वाला हूं और मुझे पूरा विश्वास है 90% लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा और 90% लोगों ने YouTube पर वीडियो बना के नहीं रखी होगी। चाहे वो कितना भी बड़ा यूट्यूबर होगा उसको पता शायद होगा, 1% पता होगा, लेकिन उसने इस टॉपिक पर वीडियो कवर नहीं किया होगा। लेकिन मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि अजय भाई इस पर एक वीडियो बना दो, बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है और मुझे भी इसका एक लाइव एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई। लेकिन अब मुझे लगता है कि इसके ऊपर मुझे बताना चाहिए और आपको समझाना चाहिए जिससे आने वाले टाइम में आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो खत्म होने के बाद इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह सब लोगों के पास पहुंचा देना, जिससे सबको मदद हो जाएगी और सबको इस अपडेट के बारे में पता चल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखते रहें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। अब बात सुनो दोस्तों, जब आपके गूगल एडसेंस में $10 कंप्लीट हो जाता है और जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हो तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, फिर वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आप कोई वोटर आईडी अपलोड करोगे, पैन कार्ड अपलोड करोगे या ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करोगे या पासपोर्ट अपलोड करोगे। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पैन कार्ड को अपलोड करते हैं और उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाती है रिजेक्टेड। क्यों होती है? अब साइड में ये फोटो देखो, ये NSDL से आया हुआ पैन कार्ड है, यानी PDF में हमें भेजा जाता है। आपको पता होगा कि जब हम पैन कार्ड बनाते हैं तो 15-20 दिन के अंदर अंदर हमारे घर पर डिलीवर होता है, लेकिन 4 दिन के अंदर अंदर आपको पैन कार्ड PDF फाइल में Gmail के थ्रू भेज दिया जाता है। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इसी पैन कार्ड को क्रॉप कर और इसी को अपलोड कर रहे हैं और आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रिजेक्टेड हो रही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर PDF फाइल में अगर आपको मेल के थ्रू पैन कार्ड आ रहा है तो अगर आप इस पैन कार्ड को अपलोड करोगे तो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कभी भी नहीं होगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जो आपके घर में पोस्ट के द्वारा आपके घर पर पैन कार्ड आता है, ओरिजिनल वही पैन कार्ड को आपको अपलोड करना होता है। फिर आपके पास पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी अपलोड कर सकते हो। लेकिन पैन कार्ड को अगर PDF फाइल से क्रॉप करके या साइबर कैफ में जाके उसका मस्त फॉर्मेट बनाकर अगर अपलोड करते हो तो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। इस बात को दिमाग में रखना, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को इस अपडेट के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन मैं छोटी सी वीडियो में आप लोगों को अपडेट करना चाहता हूं कि इसके बारे में आपको जान लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि आने वाले टाइम में जब आपके गूगल एडसेंस में $10 होता है तो आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इस तरीके से करनी होती है। और अगर आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी है तो आई बटन में मैंने एक वीडियो देख रखी है, जो मैंने आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझाया है कि 2021 में भी अगर आप करोगे तो इसी तरीके से आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हो। लेकिन आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होती तो आप परेशान हो जाते हो। दोस्तों आपको सीखना जरूरी है, अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो आपको 4 बार वीडियो देखना जरूरी है। मुझे भी गूगल एडसेंस के बारे में नॉलेज नहीं थी, मैंने वीडियो देख देख कर सीख लिया, तो वही आपको करना पड़ेगा। मान लो कि मेरी लॉटरी लग गई और मैं करोड़पति बन गया और मैंने कल यूट्यूब को छोड़ दिया तो फिर किससे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाओगे बताओ? इसीलिए आपको सीखना जरूरी है और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को करो, समझ के करो, ध्यान से करो। मैं विश्वास देता हूं 110% मैंने जो वीडियो बनाए एक एक बात क्लियर करके रखी है और उस वीडियो को आप देख लोगे तो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगा। और आपको यही बात ध्यान रखना है कि PDF में जो आपको फाइल भेजी जाती है NSDL से पैन कार्ड गवर्नमेंट की तरफ से, यानी जो पैन कार्ड की एजेंसी होती है पुणे से, वहां पर आपको भेजा जाता है, तो वो आपको अपलोड नहीं करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, तभी आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंफर्म होगा, वरना आपका कंफर्म नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये जानकारी आप तक अभी आई थी, कि आपको पता था कि नहीं पता था, और अगर ना पता हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।